बाड़मेर नगर परिषद द्वारा शहर में गांवों से आने वाले ग्रामीणों व अन्य लोगों के लिए विश्राम के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। नगर परिषद द्वारा लोगों को ठंडी छाव में बैठने के लिए शहर के मुख्य स्थानों पर लोहे के टिन शेड व बेंच के स्टैंड लगाए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा कोतवाली थाने के बाहर रेलवे स्टेशन के आगे राजकीय चिकित्सालय के सामने सहित 5 जगहों पर यह लोहे के सेंटर स्टैंड बनाए गए हैं। बाड़मेर शहर में यात्रियों और राहगीरों को अल्प समय के लिए विश्राम के लिए नगर परिषद द्वारा 10 नए स्टैंडों का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्तमान में 5 स्टैंड बनकर तैयार हो गए हैं। इन स्टैंड को जहां लोहे की मजबूत चद्दर से बनाया गया और स्टैंड के अंदर लोहे की बेंच लगाई गई है। बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना, रेलवे स्टेशन, अस्पताल के बाहर, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ये स्टैंड बनकर तैयार हो गए हैं। इन स्टैंड में राहगीर कुछ समय के लिए बैठकर विश्राम कर सकते हैं। बाड़मेर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सेंटर स्टैंड बनाने में शहरवासियों और बाड़मेर शहर में आने वाले राहगीरों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रथम दृष्टया नगर परिषद ने 5 शेल्टर स्टैंड बनाए हैं और 5 और लगेंगे, जिसमें एक हॉस्पिटल में लगेगा, एक जो प्राइवेट बस स्टैंड है चौहटन रोड पर वहां लगेगा, एक अम्बेडकर सर्किल पर और लगाने के हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे कुल 10 शेल्टर लगेंगे। बस शेल्टर जो यात्रियों को रुकने के लिए या धूप या ऐसी स्थिति में हो या बारिश आ जाए तो वो 10 मिनट वहाँ रुक के अपनी व्यवस्था कर सकता है। बाड़मेर शहर में जा कोतवाली थाने के पास, रेलवे स्टेशन के बाहर, जिला अस्पताल के बाहर, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सहित 5 सेंटर बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं शहर के 5 अन्य स्थानों को चिन्हित कर वहां पर भी ऐसे सेंटर स्टैंड बनाए जाएंगे, जिससे शहर में आने वाले लोगों और राहगीरों को राहत मिल सके।